हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMM के में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPBT यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि पॉलिटेक्निक कर रहा था, उसके रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में इसके सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे मगर अभी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बताएंगे, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है वो बताएंगे, प्लस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकली है यानी कि कुछ कॉलेजेस के रिजल्ट रोक दिए जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए अगर आप UPBTE से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि रिजल्ट जो हैं किन कॉलेजेस के रोक दिए जाएंगे और क्यों रोक दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद बात करेंगे कि रिजल्ट जो है कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए और वहाँ पे सर्च कर दिए sarkarijob.co। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijob.co। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा BTUP रिजल्ट 2019-20 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा BTUP रिजल्ट 2019-20 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको न्यूज़ शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूज़ शो हो जाएगी, प्लस यहाँ पे आप लोग जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप लोग यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करके रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो हम आपको न्यूज़ पढ़ के सुना देते हैं कि क्या न्यूज़ है। विषय विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2019 की प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक प्रेषित किए जाने के संबंध में। तो आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या न्यूज़ है। उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2019 का परीक्षाफल शीघ्र घोषित किए जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त परीक्षा के परीक्षाफल निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में है, यानी कि जो आपका रिजल्ट का प्रोसेस है वो लास्ट उस पर चल रहा है, लास्ट स्टेज पर चल रहा है। और जो इस न्यूज़ में दे रखा है वो ये दे रखा है कि जिन कॉलेज ने प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं, यानी कि जो आपके मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के वो अपलोड नहीं किए हैं, तो उन कॉलेजेस का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अगर आपके अभी तक प्रैक्टिकल के मार्क्स कॉलेज ने अपलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे अपलोड करवा दिए कॉलेज में जाके, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड नहीं होता है तो आपके जो प्रैक्टिकल में वहाँ पे एब्सेंट भी आ सकता है और आपका RA भी शो हो सकता है और जो आपका रिजल्ट है वो रुक सकता है। तो प्लीज़ आप लोग कॉलेज में जाके संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं या नहीं, और अगर उन्होंने प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड कर दिए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक और न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले भी ये न्यूज़ दिखा सकता हूँ मगर फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने शायद ये न्यूज़ नहीं देखी होगी। पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह, यानी कि सैटरडे की न्यूज़ है और यानी कि इस हफ्ते में आपका पॉलिटेक्निक का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह जारी होगा। प्रावधिक शिक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह के मुताबिक परिणाम को घोषित परिषद की वेबसाइट 12 तक हो सकती है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है परसों भी हो सकता है मगर जो उम्मीद लगाई जा रही है वो 16-17 तारीख तक लगाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर जो है वो अभी फीडिंग चल रही है, कॉपी का कार्य पूरा हो चुका है और अब नंबर अपलोड किए जा रहे हैं वेबसाइट पे। यहां पे आप लोग पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं कि क्या न्यूज है और जो आपका रिजल्ट है वो 15 तक डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग पहले अपने कॉलेज में जाके कंफर्म कर लिए कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं या नहीं, और अगर अपलोड हो चुके हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट 15-16-17 तक डिक्लेयर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक उनके रिजल्ट के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ जाके वहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। Thank you friends, have a nice day.